और दोस्त अब हम जा रहे हैं आइसक्रीम का चस्का पूरा करने। मैडम को काफ़ी आइसक्रीम खाने की शौक है और ये आइसक्रीम खाती रहती हैं बहुत ज़्यादा। अच्छी लगती है ना, इसलिए खाई जाती है। और आइसक्रीम नहीं खिलाओ तो प्रॉब्लम हो जाती है, राइट? नहीं ये झूठ है। अब मैं जा रही हूँ आइसक्रीम खाने के लिए। क्यों खानी है? मन है खाने का, इसलिए खानी है। और नहीं खिलाएंगे तो? तब भी खाऊंगी जबरदस्ती करके लेकर जाके, कि जाना है खानी है चलो साथ में, और जब तक नहीं जाएंगे तब तक सिर खाती रहूंगी बहुत ज्यादा। दोस्त अब चल पड़े हैं हम आइसक्रीम खाने के लिए। काफ़ी फेमस आइसक्रीम शॉप है जहाँ पे मेपल सिरप आइसक्रीम मिलती है, बहुत बहुत टेस्टी होती है, बहुत अच्छी होती है। मेरा तो खाने का मन है नहीं, बट ये मैडम को खिलाने के लिए लेके जा रहा हूँ। और उसको आइसक्रीम नहीं, उसको क्रीमीज कहा जाता है, मेपल क्रीमीज, एंड इट्स वेरी फेमस इन वर्मोंट, स्पेशली इन आर एरिया मॉन्टपेलियर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फार्म्स हैं, इट्स एग्रीकल्चरल स्टेट, सो इतने सारे फार्म्स होने का यही फ़ायदा है कि यहाँ पे बहुत अच्छी मेपल सिरप आइसक्रीम्स मिलती है जिनको क्रीमीज कहा जाता है। बाहर बर्फ पड़ी है और बाहर का टेम्परेचर है इस वक्त -17। -17 में आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। ठंड में ही आइसक्रीम खाने का सबसे ज्यादा मजा आता है। और दूसरी बात, मॉन्टपेलियर से तुमने याद दिला दिया कि मेरे को मॉन्टपेलियर डाउनटाउन का वीडियो बनाना है। ओके, वीकेंड में मॉन्टपेलियर का वीडियो बनेगा डाउनटाउन घूमने का। दोस्त, मेपल सिरप निकालने के लिए और बनाने के लिए उसके जगह का जो टेम्परेचर है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसको बनाने के लिए उस जगह का टेम्परेचर रात के टाइम पे फ्रीजिंग टेम्परेचर होना चाहिए और डे टाइम थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, ताकि उसके अंदर पेड़ के अंदर वो सिरप का जो लिक्विड है वो बन सके। तो ये है पेड़, मेपल ट्री इसको बोलते हैं हम लोग, और ये इसके पत्ते ऐसे दिखते हैं। एंड आपको याद होगा, देखा होगा आपने, कनाडा का जो लीफ है, सॉरी कनाडा का जो फ्लैग है उसमें मेपल लीफ है। आप फिर से देखना, उसमें जो फ्लैग में लीफ है वो मेपल ट्री का लीफ है। तो इसको बनाने के लिए दोस्त मार्च और अप्रैल में, ये 3-4 महीने होते हैं जब ये निकाला जाता है पेड़ों से, क्योंकि उस टाइम पे टेम्परेचर, रात का टेम्परेचर काफ़ी ठंडा होता है और दिन का टेम्परेचर थोड़ा गर्म होता है। तो वैसा टेम्परेचर बहुत ज़रूरी होता है इसको निकालने के लिए और इसके बनने के लिए। तो इसको बनाने का, मेपल सिरप बनाने का प्रोसेस भी थोड़ा सा लंबा होता है। इसको पहले कलेक्ट किया जाता है काफ़ी बड़े बड़े कंटेनर्स में पेड़ों से निकाल के, फिर इन बड़े कंटेनर्स को लेके जाया जाता है जहाँ पे इसके अंदर से पानी को इवेपोरेट किया जाता है। उसके बाद इसको लेके जाते हैं बॉयलर्स में जहाँ पे ये इसका फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, और फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बाद ये निकलता है प्योर मेपल सिरप। मेपल सिरप हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, नॉर्मल शुगर से बहुत अच्छा होता है। और इसका जो बनाने का प्रोसेस है और इसके जो बेनिफिट्स हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ इस वीडियो के। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से लिंक क्लिक करके आप इसके बारे में आगे देख सकते हो। और हमारी जगह आ गई है सामने, जो राइट साइड में आप देख रहे हैं वो है यहाँ का काफ़ी फेमस मोर्स फार्म, जहाँ पे प्योर 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 मेपल सिरप मिलता है। ओहो, एक और भाई निकला है अंदर से, दो आइसक्रीम कोन हाथ में लेके अपनी मैडम के लिए। गुड गुड, मैं भी खा सकता हूँ। हाँ खा सकते हैं।
करते हैं। मैडम रेडी खड़ी हैं एकदम एकदम खाने के लिए अंदर जाके। ये है मोर, चल 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 निकल। हेलो गुड। इट्स व्हाट यू वांट? चॉकलेट? Is it there? Chocolate creamy? We just have the maple right now. Okay. Through the winter. Okay. So yeah, I will go with that only. What so size? Small, no? The medium. Small. Yeah. So in a cone or a cup? In a cone. Yes. Yeah. Just one or did you want two? Two. Yeah. Two. Yeah. यहाँ का जो मेपल सिरप, ये जो फॉर्म है, मोस्ट फॉर्म कहते हैं इसको, एंड इट इज़ 200 इयर्स ओल्ड फॉर्म, 200 साल पुराना फॉर्म है, और उससे भी पहले का है बताते हैं। बट दिस इज़ वेरी वेरी फेमस, यहाँ पे टूरिस्ट लोग आते हैं देखने के लिए इनका प्रोसेस, इनका फॉर्म, और इनका जो मेपल सिरप है इट्स बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत ही फेमस है, और बहुत ही प्योर फॉर्म में मिलता है यहाँ पे। तो जो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे देखते भी हैं, यहाँ के आसपास की सीनिक व्यूज भी काफ़ी देखते हैं। थैंक यू, हैप्पी? यस। और यहाँ के ये वाली क्रीमी एंजॉय करते हैं। ओके सो लेट्स गो। कोई बात नहीं, चलो। Go creamy. ओहो, कार की रूफटॉप खुली रह गई, ठंड अंदर बढ़ के बैठ गई होगी अब तो। ये रही मेरी आइसक्रीम, और ठंड में आइसक्रीम खाने का इतना मजा आता है कि बस आप लोग समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आ गया मजा? बिल्कुल, बहुत मजा आ गया। आएगा धीरे धीरे, अभी खाना शुरू किया है। ये है यहाँ का मोर्स फॉर्म की पूरी प्रॉपर्टी, और बहुत अच्छा दिखता है यहाँ पे, पहाड़ों का व्यू, एंड इसमें बहुत बहुत सीनिक है, बहुत बहुत सीनिक है। और गर्मियों में तो बहुत ही सुंदर दिखता है, जब मेपल ट्रीज अपना पत्तों का रंग बदलते हैं फ्रॉम ग्रीन टू येलो, येलो टू ऑरेंज, बहुत सुंदर लगता है। तो चलो दोस्त, आइसक्रीम खा ली और मज़ा भी आ गया, और अब यहाँ से चलने का टाइम भी हो गया, और अब मैं चल पड़ा हूँ अपने घर की तरफ वापस। सामने आपको दिख रहा होगा पहाड़ी पहाड़ हैं, और अच्छे सीनिक व्यू भी हैं। ओके, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो है, जैसे कि मैं पिछले दो वीडियो से बोल रहा हूँ, मोंटपेलियर के डाउनटाउन का व्यू मैं आपको दिखाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो देखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले मैं फिर से कहूँगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको पता चल जाएगा कि मैंने नेक्स्ट वीडियो कब डाला है। और आपको कुछ और जानकारी चाहिए इसके बारे में तो आप कमेंट करके मेरे को लिख सकते हैं, बता सकते हैं, और मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। और अगले वीडियो से दोस्त, मैं एक कॉन्टेस्ट भी शुरू कर रहा हूँ, जिसमें इनाम भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे सही जवाब देने पे। ओके सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू वेरी मच।